हे गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग। एंड आज है 15 तारीख, और वैसे कहने के लिए तो 14 तारीख को, 14 जनवरी को मकर संक्रांति होती है, बट हमारे यहाँ पत्रा के हिसाब से और पंडित जी के हिसाब से आज मकर संक्रांति है। आज हम लोग मकर संक्रांति सेलिब्रेट करेंगे। जैसे हर त्यौहार दो दो दिन नहीं हो जाते, आज ये भी त्यौहार दिन हो गया है। और देखो, मैंने न्यू नेल वो किया था अपने हाथ पे, और ये मैंने किया है, सीरियसली ये मैंने किया है, और ये अच्छा लग रहा है डबल शेड में। ओके सर, ये देखो, पास से देखो, मेरा फोकस ही काम नहीं कर रहा, क्या दिखाऊं यार मैं। चलो कोई नहीं, नहीं रहने दो, दिवाकर आए फोकस दिखाने। ये देखो नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। बहुत अच्छा है ना, इसलिए नहीं दिख रहा। गुड मॉर्निंग। आज मकर संक्रांति है, हमारा मेन त्यौहार ऐसे कहा जाता है कि ये है। तो आज शनिवार है, सैटरडे है, संडे नहीं है, त्यौहार स्टार्ट हो जाता है। हाँ, आज खड़मास खत्म हो जाता है ना, काम स्टार्ट हो जाए, गाँव में गौना स्टार्ट हो जाता है। इनको गौना का पड़ा हुआ है, मेन तो इनको गौने का पड़ा हुआ है, लोग शादी नहीं हो पा रही तो गौना कहाँ से हो। पहले जमाने में शादी होता था, गौना हम आज के जमाने में अब गौना होता ही नहीं है। हाँ बस ठीक है, फिर शादी करो, अपनी बीवी ले जाओ, क्या करना है। हाँ, तो अभी जस्ट हम सो के उठे हैं, और सो के उठने के बाद जो पहला काम होता है हमारा, मुझे जो मॉर्निंग ड्रिंक पीती हूँ मैं, वो पीने से भी पहले मुझे अपना वजन देखना है। मैं जस्ट अभी उठी हूँ, फ्रेश हुई हूँ, और मैंने कैमरा उठा लिया है। मैंने कहा नहीं, मैं पहले अपना वेट दिखाऊंगी, क्योंकि आज मैं चीट करूंगी। तो चीट करने से पहले मैं आपको अपना वेट अपडेट देना चाहती हूँ। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 5 दिन डाइट की है मैंने इस हफ्ते में। आज सैटरडे आज मैं चीट करूँगी, और तो मैं देखना चाहती हूँ कि 5 दिन का रिजल्ट क्या आया है। इंचेस वाइज तो दिख रहा है, बट वेट वाइज क्या आया है वो चेक करेंगे। ओके, सो इसलिए मैंने सुबह सुबह कैमरा उठा लिया, उसके बाद फिर नहा धो के आज अच्छे से मकर संक्रांति मनाएंगे। तो आ जाओ आप सभी मेरे साथ, और वेट स्केल पे सुबह का क्या बज रहा है, 10 बजने वाला है। ओके, आज छुट्टी थी ना सब, और मुझे पता था आज मैं डाइट नहीं करना है मुझे, तो इसलिए हम लोग लेट उठे हैं आज। सो यहाँ पे डुगो भी सो ही रहा है, और पापा दिखाऊं क्या कर रहे हैं। हाँ देखो, पापा को आजकल नई शौक चढ़ा है मोबाइल चलाने का, और चलाते भी क्या है, इंस्टाग्राम चलाते हैं। इंस्टाग्राम पर जो रील्स नहीं होती हैं, वो रील्स वीडियो देखते हैं पापा, है ना पापा। वो भी भोजपुरी गाने देखते हैं, है पापा। हाँ, गमछा देखो, गमछा पापा। अच्छा लगता है, यहाँ डुगो सो रहे हैं, बढ़िया। चलो हम वेट मशीन निकालते हैं। सो फाइनली द टेस्टिंग टाइम, 5 दिन की मेहनत क्या निकलती है, आइए देखते हैं। और वेस्टी ना हो बस मेरी। 72 किलो 100 ग्राम। ओके, 72 किलो 100 ग्राम। हाँ, लास्ट टाइम 73 किलो 73 किलो 50 ग्राम था, तो ऑलमोस्ट मेरा वेट गया है 950 ग्राम, राइट। नहीं, 850 ग्राम, वही मतलब 1 किलो से थोड़ा सा कम, 850। हाँ, तो 1 किलो से 100 ग्राम कम। दोबारा चढ़ो, सेकंड टाइम और अच्छा था, उतना ही आएगा। 72 टाइम ही आ रहा है। हाँ, तो 5 दिन का रिजल्ट हमें मिला है 1 किलो से थोड़ा सा कम है, 5 दिन किया है। सो जो भी रिजल्ट आया उससे मैं सेटिस्फाई हूँ, और इंचेस वाइज मुझे काफ़ी ज़्यादा फर्क दिख रहा है, अनडाउटली दिख रहा है। सो हैप्पी। एक बार और देख लेती हूँ। ऐसे कसरत कर दिया समय, जब ऐसे ऐसे कसरत करो तो वजन ऐसे उतना ही है, उतना ही है ना, लेकिन अच्छा लग रहा है। ऐसे कसरत करो तो अपने आप घट जाए सब वजन। चलो अब मेरे फ़ोन से भी एक बार रिकॉर्ड कर दीजिए दिवाकर जी, फॉर इंस्टाग्राम। जब मेरा सारा वेट कम होगा ना, तो फिर मैं फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक, ऐसे करके एक वीडियो बना के, रील बना के डालूंगी। अच्छा, फॉर इंस्पिरेशन। ओके, लोग इंस्पायर हूँ, और अगर मैंने खुद छोड़ दिया तो ऐसा ख्याल भी नहीं लाना दिल में। आज तिल का लाई खाओगी, वैसे ही बढ़ जाएगी 1 किलो। मैं नहीं खाऊंगी।
ये है मेरे पास सरसों का तेल, जिसमें मैंने बहुत सारे लहसुन जो हैं वो छील के डाल दिए हैं, और मैं रखने जा रही हूँ इसको गैस पे यहाँ पे, और उसके बाद हम गैस का फ्लेम जो है वो ऑन करेंगे, और इसको मैं धीमी आंच पे इस लहसुन को जलाऊंगी, क्योंकि ये तेल लगाना है मुझे अपने सर में। आज चूँकि थोड़ा सा रिलैक्सिंग डे है और मैंने चाय पी ली है, आज चीट भी है ना, चीट डे भी है मेरा, कल संडे, कल बट चीट डे नहीं रहेगा, चीट डे कल की जगह मैंने आज ही ले लिया है। तो मैं आज सर में तेल लगवाऊंगी, अच्छे से मसाज करवाऊंगी पापा से। यार मैं भी चाहती हूँ ना, मैं मुझे थोड़ा सा रिलैक्स मिले, थोड़ा सा मतलब रोज़ की भाग दौड़ वाली ज़िंदगी से थोड़ा सा ठहराव हो ज़िंदगी में, थोड़ा सा पैम्परिंग हो, थोड़ा सा केयर मिले। सो वो सब चीज़ें करने के लिए मैंने पापा को पकड़ा है आज। अभी मैं पापा को पकड़ूंगी, मैं उनसे बोलूंगी पापा मेरे सर में तेल लगा दो। उन्होंने ज़िंदगी में आज तक कभी मम्मी के तो लगाया नहीं, क्या पता बेटी में तरस आ जाए। तो ये तेल लगाएंगे सर में, उसके बाद अपना और आगे काम बढ़ाएंगे, और आज मैं आपको दिखाऊंगी मकर संक्रांति। हाँ, चलो पक रहा है, पक रहा है। पापा तेल लगा दो मेरे सर में। अरे भाई तेल लगा रहे हैं यहाँ, ए लगा दो यार। अरे यार फालतू बात मेरे से। अरे यार मैं अपने आप कैसे लगा पाऊंगी पापा, मैं तंग ना क्या, मैं नहीं आता ना तेल लगाना। तुम कोशिश तो करो पापा, कोशिश करो। अरे यार कर दो यार पापा। चलो ठीक है, चलो हटो, आओ 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 जल्दी आओ पापा, आओ यार। अरे चलो यार तू, अरे जल्दी आओ पापा। मतलब तुम किसी और को फोन करने जा रहे हो? पापा फोन रखो, चलो यार आओ यार, कुलदीप से बात करने जा रहा हूँ, जल्दी बात करके आओ यार। चलो चलो तू, नहीं ऑन कैमरा बोलो जो बोलना है, बोलो 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 क्या बोला है मैंने? लास्ट में यही काम आएगा। नहीं मैंने पापा को बोला, पापा को लगाना नहीं आता, मैंने इनसे कहा, मैंने डिप्लोमा लिया है ना। मैंने इनको बोला, ये कह रहे हैं मैं पहले उसी में डिप्लोमा लिया था, मैं यही करने के लिए आया हूँ दिल्ली, तेल लगाने के लिए। तुम ऐसा नहीं, सालों में कई बार लगाया हूँ, लोगों ने देखा भी, ऑन कैमरा भी है। ऐसा नहीं, तो अभी आप क्या बोले, अभी आप क्या बोले फिर? नहीं मुझे तो हर्ट हुआ कि तुम पहले पापा पास गई, मेरे पास आई नहीं। चलो ठीक है, पहले पापा से ही जाओ। मुझे पापा से, पापा ने धिक्कार दिया, चल बा तेल लगाऊंगा, सीधा साधा पति पाई हो, फायदा उठा लो, चलो मैं लगाऊंगा। इतनी बातें सुना के, इतनी बातें सुना के उसको बोला दुग्गू भैया बुला रहा है। किसको? फ्रूटी को। फ्रूटी को? अच्छा कहाँ है फ्रूटी? भैया कहाँ गया? भैया कहाँ गया? कहाँ गया भैया? ओले बापले, ओले बापले, इसका तो शुरू हो गया भाई, मॉर्निंग इसकी शुरू हो गई। ये कल इधर भैया, भैया बुला रहे हैं फ्रूटी, भाग जाएगी। चलो बदमाश सुनो फ्रूटी कहाँ गई? रहने दो फ्रूटी। हाँ हाँ उसे मेरे पास आना है, वो मेरे पास आना है। कहाँ से घुसती है, कहाँ से निकलती है? कहाँ पहुंची भाग के? ये सफाई हो रही है घर में, सफाई के टाइम पे ये रनर वगैरह उठा के रख दिया जाता है, सफाई हो रही है घर में। अभी झाड़ू हो गया, पोछा बाकी है। डुगू उठो, और रात में डुगू ने एक गिलास दूध बेड पे गिरा दिया था पूरा का पूरा, और सोना हम लोगों का भारी हो गया था, हम लोग ने सोचा कहाँ सोएंगे, फिर एक मोटा सा कंबल टाइप का ये चादर उठा के यहाँ डाला गया कि रात में एटलीस्ट सोने के लिए तो हो जाए। फाइनली मेरे जो तेल है ऑयल बालों में लग गया है, अच्छे से लग गया है, और मैं जो हूँ अब इसको एक डेढ़ घंटा रखूँगी, उसके बाद हेयर वॉश करूँगी, नहा के धो के खिचड़ी बनाते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को मिलती हूँ। जब तक ये देखो बर्तनों का बहाड़ पहाड़, इसे मैं धोती हूँ पहले, तो जैकेट उतारना पड़ेगा, और बिना जैकेट के मैं काम करना पसंद नहीं, सारा भीग जाएगा आगे से, जैकेट भी कपड़े भी। तो अब सर्दी में मैं भी ऐसे ही काम करती हूँ पहलवानों की तरह। चांद वाला मुखर लेके चलो ना बाजार में।